कितने टीचर थे? टीचर 25 थे। 25 टीचर, राइट? 600 में 25 थे। 600 में 25 थे। और वो एक्चुअल पहला थे पहले डिवीजन का पहला आई है 35। वंडरफुल। तो सर वो टीचर स्कूल शुरू होने से पहले आते थे? प्रेयर में आते थे। नहीं, पहले आते थे या प्रेयर में आते थे? प्रेयर में आते थे। मैम ने एक क्वेश्चन उठाया, 10 मिनट में बच्चों का क्या होगा? उठाया है कि इस तरह से डेली हर रोज इस 25 लोगों का मिलना कंटिन्यू करना है या नहीं करना है? क्या ये डिबेट है? क्या ये डिबेट है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए या किसी और तरीके से होना चाहिए? मैंने कई स्कूलों में देखा है, इंडिया में नहीं बाहर भी देखा है मैंने, कि पहले जो शिक्षक स्कूल में आते हैं वो हर रोज आके बताते हैं कि उनका क्लास लेने के अलावा कार्य क्या क्या है, राइट? और ये एक वैसे ये तो हम भी करते हैं सुबह सुबह उठ के 9:30 बजे हर रोज हमारा एक स्टैंड अप मीटिंग होता है कि आज हमारे और उपासना जी हमारे लिए एक एक्सेल शीट मेंटेन करती है कि तुम आज क्या क्या करो और मुझे वो बताना हो, राइट? हम सबको बताना हो और सिर्फ मेरे इस टीम के लिए नहीं होती, सारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में होती है। तो उससे क्या होता है, एंकरिंग होती है और ये हर रोज होता है। जिस दिन छुट्टी हो जाती है तब लगता है यार 9:30 बजे से थोड़ी छुट्टी हो गई हमको, लेकिन मंडे टू फ्राइडे हर रोज 9:30 बजे कॉल आ जाता है, सब खड़े होते हैं। और इस बार तो हमारे ऑफिस तो नहीं पहुंच पाते हैं लेकिन फोन पे ही होता है और फोन पे एक जूम कहते हैं एक्सेल शीट टीम मीटिंग होती है, वहाँ पे एक्सेल शीट होता है, सबका नाम लिखा हुआ है, आज आप क्या, ठीक है? तो हर टीचर का रूटीन तो है ही, टाइम टेबल है। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है कि मुझे एक असेंबली के लिए प्लान करना है, एक एक्सकर्शन लेके जाना है बच्चों को, इसके लिए प्लान करना है, एक क्वेश्चन पेपर बनाना है, राइट? तो आप, मुझे लगता है और वी लव दिस मीटिंग, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कि सब लोग मीटिंग में आए और शामिल हो। आइसक्रीम स्टिक्स फेयर है वो तरीका। डीपी गोस्वामी जी, कि अगर आपकी स्कूल में टीचर्स समय से नहीं आ रहे तो आप कैसे उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे स्टाफ बैठक में? उनको एजेंडा पहले बता देंगे और आएंगे वो, बिल्कुल आएंगे वो, हाँ आएंगे सर, नहीं कल्चर चेंज हो गया, आएंगे वो यस, कि एग्जैक्टली इतना ही कॉन्फिडेंस कि मैं उनका कल्चर ऐसा सेट करूंगा, एजेंडा और टाइम जो है पहले से बता के वो, और मेरे सारे टीचर्स जो मीटिंग में आएंगे। तो हमने भी ऐसे कोई सोल्यूशन देखा है कि कम से कम 2 दिन पहले उनको जानकारी दे देंगे, समय और एजेंडा बता देंगे तो टीचर्स की उपस्थिति हम सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरा चैलेंज जो था कि निर्धारित कार्यों पे जो काम नहीं हो रहा है, कि कुछ डिसाइड हुआ वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है, या टीचर्स को अगर कोई दिक्कत आई तो
कर पाए कि आपने टिकट का काम तो मुझे दे दिया बट कुछ दिक्कत आ रही थी, तो अगर ऐसी कोई दिक्कतें आ रही हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? पीएस चौहान जी, जैसा अभी बताया कि स्टाफ मीटिंग जो हो रही है उसमें क्या क्या चैलेंजेज हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं जिनसे हमें ओवरकम करना है, उनसे विजय प्राप्त करना है। तो जैसा अभी सभी हमारे साथी बता रहे हैं, सबसे पहले तो हमारा एक स्ट्रांगली निर्धारित एजेंडा होना चाहिए, उसकी प्रॉपर सभी को सूचना होना चाहिए, हमारा वेन्यू क्या है, हम किस बात पर चर्चा करना चाह रहे हैं, ये सही चीज़ होना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं और स्टाफ को यदि हम विश्वास में लेकर चलते हैं तो ऐसी कोई कारण नहीं है कि हमारा स्टाफ समय पर उपस्थित न हो। यदि कोई कहीं बाहर जाता है तो वो पूर्व सूचना से जाता ही है और उसे हम लोग छोड़ ही देते हैं कि आप जा सकते हैं। आने वाली चुनौतियों से हमें कोई काम नहीं, कोई हमारा जैसे हम पूर्व की जो बैठक है उसका एजेंडा का वाचन जरूर करते हैं कि हमने पहले क्या क्या कार्य दिए थे, किसको क्या कार्य सौंपा गया था, उसमें कौन सा कार्य पूर्ण हुआ है और कौन सा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, और यदि वो नहीं हुआ है तो उसके कॉज क्या है, कारण क्या है। यदि किसी को हेल्प की जरूरत है तो हम अपने साथियों से कहते हैं कि आप इसकी हेल्प करें, जहां तक हो सकता है यदि उसमें प्राचार का इन्वॉल्वमेंट चाहिए तो हम उसमें खुद शामिल होते हैं, चाहे वो अपना स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन हो, बड़ा कार्य होता है कि हम कैसे इसकी मैपिंग करेंगे, कैसे स्वीकृत करेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं टीचर्स जो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, कंप्यूटर नहीं चला पाते, तो उनकी मदद ऐसे टीचर्स से कराते हैं स्कूल के टाइम से पहले या बाद में कि वो उनकी मदद करते हैं और हम अपना वो कार्य पूरा करते हैं, चाहे वो एकेडमिक वर्क्स हो या कोई वो निर्माण कार्य हो या अन्य कोई भी विद्यालय में डेवलपमेंट का, ग्रीनरी का कोई कार्य, प्लांटेशन है, सैनिटेशन का हम कोई कार्य कर रहे हैं या कोई संरक्षण पर हम बात कर रहे हैं, तो उनमें सभी लोग, यहाँ तक कि हम लोग संडे को भी स्वेच्छा से श्रमदान करते हैं, कभी कभी जब लगता है कि हमें स्कूल में करना चाहिए तो हम लोग वो भी करते हैं। थैंक यू। तो सर की बातों में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे और हम लोगों ने जो मीटिंग में अभी क्या चीज चल रही है उसको भी डाउन किया, तो ये बहुत मुझे इम्पोर्टेंट लगा कि अगर रिटन रिकॉर्ड रहेगा कि क्या क्या हमने कार्य किसको सौंपा था और मिनट्स क्या है उस मीटिंग के, वो हमने सबके साथ साझा किए, तो क्या हमें कार्य की प्रगति को फॉलोअप लेने में आसानी रहेगी, तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि शिक्षकों के साथ मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो नोट्स है वो शेयर कर दिए, नियमित जांच की कि क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं उसको उसी टाइम पे सॉल्व किया, बढ़ने नहीं दिया उसी टाइम पे उसको कि अच्छा ये दिक्कत आ रही है उसको वहीं पे हमने एड्रेस किया और शिक्षकों से उनके विचार पूछे, और जब कार्य वितरित किया तो डेमोक्रेटिकली आइसक्रीम स्टिक की तरह पूछा कि भाई क्या हो रहा है, निष्पक्ष होकर एकदम हमने उनको कार्य वितरित किए। और बाकी हमने चैलेंज किया कि भागीदारी के लिए भी अभी हम क्या क्या कर सकते हैं, तो भाई अगर हम निष्पक्ष रहेंगे, सबको बोलने का मौका देंगे, पूछेंगे कि किसका इंटरेस्ट किस काम में, उनको वैसे काम दें तो उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये आपको जो कल एसओपी दिए गए थे उसमें हमने स्टाफ बैठक के लिए कुछ डिटेल्स दिए कि बैठक से पहले क्या क्या करना चाहिए, बैठक के दौरान और बैठक के बाद, ये एसओपी में आपके लिए जानकारी है, मैं एक मिनट के लिए फ्लैश कर रही हूं, आप क्विकली रिवाइज भी कर सकते हैं कि हम क्या क्या स्टाफ बैठक, हम औपचारिक स्टाफ बैठक की भी बात कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से। जी ये तो थे जो इश्यूज आ रहे हैं प्लानिंग के टाइम पे, कि हमने प्लान कर लिया, एजेंडा शेयर भी कर लिया, मिनट्स भी ले लिए, क्या प्लानिंग के टाइम पे हो सकता है हमारी सारी चीजें जो है सॉल्व ना हो, जैसा भी शिल ने बताया और हमने ग्रुप में भी डिस्कस किया कि कल्चरली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट रहेगा स्टाफ बैठक का, तो वो आएगा संचालन के दौरान, उसमें भी कुछ कुछ इश्यूज रहेंगे, तो रिस्पेक्टफुली हम वो चीजें कैसे सॉल्व करेंगे कि प्लानिंग सब हो गया है, अब संचालन, कल्चर बिल्डिंग, वो सब स्टाफ बैठक में कैसे किया जाएगा। साधना मैम आप फर्स्ट पॉइंट रीड करेंगे हमारे लिए, फर्स्ट पॉइंट, सभी के समय का सम्मान करते हुए बैठक समय से शुरू करें। हाँ जी, तो सभी के समय का सम्मान करना है और बैठक को जो है हमें समय से शुरू करना है।
श्री जैन सर। सेकंड पॉइंट बैठक के लिए इस पर मानदंड सदस्यों के साथ साझा करें, मतलब इस पर, और वो भी उसमें एक चीज छोड़ दी है, एक दो दिन पूर्व, कम से कम उन्हें सफिशियंट टाइम दें जिसमें वो विचार करें, चिंतन करें और कुछ बात लेकर के आए, और व्यवहार संबंधित अपेक्षाएं भी अगर साझा कर दें कि उसमें लंबे भाषण नहीं होंगे, प्रत्येक सदस्य को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलेगा, आप मतलब जो भी उनकी समस्या के बिंदु रहते हैं ना वो, और मेरा तो सोचना ये है कि यदि 60-70 लोग आपके स्कूल में हैं, प्रिंसिपल बन के गए और आपने कॉल करा, कोई बात नहीं, इन 60-70 लोगों में जो उपस्थित थे उनसे अनौपचारिक बात करी, मीटिंग आज समाप्त करी, एक नया ऑर्डर निकाला, सभी आए और उन 8 लोगों से व्यक्तिगत मिलकर अनुरोध करें, डीआर आपकी कमी बहुत खली थी, आपका आना कल जरूरी है, और अगले दिन की मीटिंग का विषय ये होगा कि क्यों विद्यालयों से लोग मीटिंग में उपस्थित समय पर नहीं होते हैं, इस पर ही चर्चा होगी। डायरेक्टली वो वाली मीटिंग करो, बाकी लोगों के व्यक्तिगत कॉन्वर्सेशन करो और अभी पॉजिटिवली रिलेट करके आपकी कमी खली और अब ये चीजें डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू सर, वेरी गुड पॉइंट, वेल आर्टिकुलेटेड। सुनिश्चित करें कि सभी सदस्यों को अपने विचार रखने का मौका मिले। मतलब जब मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है तो प्रायः देखा जाता है कि जो प्राचार्य के फेवरेट होते हैं केवल वही लोग बोलते हैं, क्योंकि अगर हम सीएम राइज के अंतर्गत मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, हम सीएम राइज प्राचार्य के रूप में जा रहे हैं, तो हम लोगों को सभी के साथ समान व्यवहार रखना चाहिए और मीटिंग में सभी को समान अवसर देना चाहिए बोलने के लिए। ऐसा नहीं हो कि केवल एक ही व्यक्ति बोला जा रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं, तो जब सबको समान अवसर दिया जाएगा तो मीटिंग अट्रैक्टिव होगी और आगे आने वाले समय में भी सभी लोग मीटिंग पर समय पर उपस्थित होंगे और जो एजेंडा निर्धारित किया गया है उस एजेंडे के अनुरूप हमारी मीटिंग संचालित होगी और विद्यालय बहुत अच्छे तरीके से संचालित होगा। थैंक यू। थैंक यू सर। सर ने बहुत अच्छे से बोला कि फैसिलिटेशन का इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा कि कैसे, एक तो अपने फेवरेट्स को बस टाइम ना दे, अनबायस रहना है और कभी कभी स्ट्रिक्ट भी होना पड़ सकता है, जैसे अभी हमारा टाइम आउट हो रहा होता है तो पास्ता मैम शेर सर कभी मजाक में चॉकलेट का उदाहरण देके या कोई और उदाहरण देके सबको वापस कैसे टाइम पर लेकर आना है। फोर्थ पॉइंट, चेतु सिंह मारवी जी हाँ जी मरावी जी, ठीक है। यदि कोई सदस्य अधिक समय ले या एजेंडा से भटके या किसी दूसरे के सदस्य की बारी के बीच में बातें करे तो उनसे विनम्र तरीके से बैठक के लिए तय की गई अपेक्षाओं और मानदंड को याद दिलाएं। तो ये भी आपको एज अ प्रिंसिपल कभी कभी करना पड़ेगा कि हो सकता है किसी का कोई एग्जांपल चल रहा है कुछ, लेकिन थोड़ा सा वोमेन स्ट्रिक्ट होकर थोड़ा सा आपको वापस उनको टाइम पर एजेंडा पर लेकर उपयोग कर सकते हैं। तो हम हर चीज में शुरुआत की बात करें तो कैसे हम मीटिंग्स भी किसी अच्छी बात से, जो स्कूल में आपने ऑब्जर्वेशन में कुछ देखा, कोई प्रशंसा, कोई बेस्ट प्रैक्टिस साझा करते हैं, ग्रेटिट्यूड सर्कल, हमने भी डूनो वगैरह में हमेशा पॉजिटिव चीजें देखते हैं कि क्या अप्रिशिएट कर सकते हैं किसी के बारे में, तो ऐसी सकारात्मक शुरुआत हम अपनी मीटिंग की कर सकते हैं। और लास्ट, बैठक को प्रेरक बात पर समाप्त करें, तो जैसे शुरुआत पॉजिटिव हो रहा है वैसे अपनी बैठक का अंत भी हम थोड़ा पॉजिटिव रखें। तो ये हमने कुछ सोल्यूशन देखे जो प्लानिंग के भी और कल्चर सेटिंग के लिए संचालन में भी यूज हो सकते हैं। यस सर, आपने बोला ना बैठक को प्रेरक बात पर समाप्त हो रहे हैं, वहाँ पर दो चीजें हैं, पहले तो धन्यवाद भी दें उनका फीडबैक लेते हुए, और अंत ये, और ये भी स्पष्ट आए कि किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी और समय सीमा दी गई है। जी, ये दो चीजें भी लास्ट की लाइन में आई। बिल्कुल सर, वो हमने प्लानिंग में भी लिखा है कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग शेयर करें और क्या क्या काम दिया उसका रिटन रिकॉर्ड रहे कि आपने किसको क्या काम डिस्ट्रीब्यूट किया है, और थैंक यू बोलते हुए प्रशंसा के साथ हम सकारात्मक एंड करें। तो अब हमने स्टाफ बैठक की बात की, इससे तो हम थोड़े वाकिफ भी थे, हमने की है। जो सेकेंड इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे आज के सत्र का, वो है दैनिक सर्कल टाइम, इस पर हम चर्चा करेंगे। यस मैम, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि बैठक में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो कोई व्यवधान भी उत्पन्न नहीं करते, बोलते नहीं है, उनसे बोलने को कहा जाए हाँ हाँ सहमत हो, ऐसे लोगों की सहभागिता, वो मुखर हो, बोले, अपनी राय ओपिनियन दे, अपना स्थान बनाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो जानना चाहते हैं। एग्जैक्ट कोई सोल्यूशन मेरे पास आएगा, बट बहुत सारी स्ट्रैटेजी जैसे हम देखते आ रहे हैं, जैसे भागीदारी के लिए हमने आइसक्रीम स्टिक जैसा कुछ किया था, आप चिट ले सकते हैं, और डीपर क्वेश्चंस पूछे कि सीधा यस तो क्वेश्चंस नहीं, कैसे करना है, हाउ,
अच्छा उनको बोलते हैं हाँ हम ये क्लास में कर लेंगे, तो हम ऐसे क्वेश्चन की 3 स्टेप में बताएं क्लास में कैसे करेंगे। तो ऐसे अगर थिंकिंग क्वेश्चन हम अपनी मीटिंग में इन्वॉल्व करें, यस नो थम्स अप थम्स डाउन वाले क्वेश्चन नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जिनको उनको नोट डाउन करना पड़े और डीपर थिंकिंग थोड़ी करनी पड़े। और बाकी जो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज माइंडसेट वगैरह वाली देख रहे हैं, तो हम होपिंग इन सब स्ट्रैटेजीज से हम उनकी एंगेजमेंट को ले सकते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है कि समय पर कैसे बुलाया जाए, तो बात आई है कि हम प्रॉपर उनको सूचना दें। मैं एक काम जरूर करूंगा कि सूचना वाला जो पत्र आएगा उसमें नीचे एक नोट जरूर लगाऊंगा, मीटिंग ठीक 3 बजे प्रारंभ होगी और चाय सिर्फ उसके 5 मिनट पहले आके और रख ली जाएगी, आप लोग आ जाएंगे तो पत्र। गुड पॉइंट था। ऐसे कुछ फनी तरीके की मीटिंग में आने के लिए हम सबको चाय तो बहुत पसंद है, 3 बजे मीटिंग शुरू है, 2:55 पे चाय मिलेगी, तो देखिए कैसे सब मीटिंग पे टाइम से आ जाएंगे। देर से आएंगे तो चाय ठंडी हो जाएगी। जी और थैंक यू। ये मीटिंग की बात होगी सर्कल टाइम, कल हम लोगों ने शाम में एक सर्कल टाइम किया था अपना दिन खत्म करते हुए, तो 2 मिनट लेके उस पर हम थोड़ा रिफ्लेक्ट करेंगे। अच्छा चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। रिफ्लेक्शन से पहले मैं देखना चाहता हूँ किस किसने अपना होमवर्क किया है, कितने लोग SOP पढ़कर आए हैं, 2 SOP थे मीटिंग्स के सर्कल टाइम और बैठक के लिए, तो चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग है यानी कि समझ की जांच। हाँ तो बहुत सारे रेज है, पता चलेगा किस किसने पढ़ा है। हर्षा मैम यस मैम, फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, सर्कल टाइम का आयोजन कब किया जाना चाहिए? समाप्त कब किया जाना चाहिए? क्लासेस खत्म होने के बाद सर्कल टाइम का आयोजन होना चाहिए। हफ्ते में एक बार ही? रोज डेली। यस तो दैनिक। गुड जॉब, थैंक यू हर्षा मैम। पार्टिसिपेंट्स को शेयर करके खा सकते हैं। नेक्स्ट सर्कल टाइम का संचालन अधिक तक कितने समय के लिए किया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन है प्रहलाद द्विवेदी जी के लिए। कितने समय के लिए? आपके तो चॉकलेट मैडम अधिकतम 15 से 20 मिनट के लिए। गुड जॉब सर, मैक्सिमम 15 मिनट के लिए आपके साथ चॉकलेट शेयर कर लेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्स सर्कल टाइम जो क्विक होगा हमारा मैक्सिमम अधिकतम 15 मिनट के लिए। थर्ड क्वेश्चन, ये सर्कल टाइम के संचालन की प्रक्रिया है, इसमें तीसरा सबसे अहम चरण कौन सा है, ये क्वेश्चन है शिवपाल सर के लिए। शिवपाल मांझी जी, हाँ जी जा। ये सब अपने अपने उसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो ये तीसरा चरण कौन सा? पहला तो समूह तय करना है, सर्कल हमें तय करना है, व्यवस्था निश्चित करें, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चरण कौन सा है प्रक्रिया में? क्वेश्चन को हम पास कर देते हैं सर। नहीं कल वाली तो खा रहे हैं। नहीं सर्कल टाइम मैं एक्चुअली कहीं और थी, ईमानदारी से आपका क्वेश्चन कहते कहते रिपीट। किसी की भी बारी आ सकती है, सबको अटेंटिव रहना है। समय दक्ष संचालन तैयार करें, स्टिक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ समय दक्ष संरचना तय करें कि समय दक्ष संरचना इसका एग्जीक्यूशन 15 मिनट में हमें तय करना है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ने से पहले हम क्योंकि दोनों ही बैठक हैं, हम देखेंगे सर्कल टाइम और स्टाफ सर्कल टाइम और स्टाफ बैठक के बीच का अंतर। सर्कल टाइम और स्टाफ बैठक दोनों में स्कूल स्टाफ शामिल है, तो अंतर क्या है इनमें? मैं इसमें बोलूंगी पार्टिसिपेंट को थोड़ा सोचना चाहिए। अभी जो हमारे यहाँ पे स्टाफ बीच में बैठक हो रही थी वो हम सर्कल में खड़े थे, तो क्या उसको सर्कल टाइम बोल देंगे? कुछ फर्क है? हाँ तो प्लीज टेक 45 to 60 seconds 1 मिनट और सोचिए कि सर्कल टाइम और स्टाफ बैठक में क्या क्या अंतर है। 1 मिनट थिंकिंग टाइम, फिर हम अपने आंसर शेयर करेंगे। सर्कल टाइम जो है मुख्य रूप से स्कूल संस्कृति के लिए, स्कूल कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे।
और स्टाफ बैठक जो है विद्यालयों के संचालन के लिए। तो ये मेन उनमें डिफरेंस है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए संचालन के लिए, दूसरा जो है कल्चर बिल्डिंग के लिए। सर्कल टाइम प्रतिदिन आयोजित किया जाता है, डेली सर्कल टाइम, उसका नाम ही है दैनिक सर्कल टाइम, तो वो रोजाना आयोजित होगा। स्टाफ बैठक जरूरी नहीं है रोज हो भी नहीं सकती है स्टाफ बैठक। सर्कल टाइम अधिकतम 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट्स के लिए होगा, और स्टाफ बैठक की अवधि एजेंडा क्या है उसके हिसाब से वो मंडलोई सर। हाँ जी, शेयर करिए। मतलब दोनों में डिफरेंस? नहीं डिफरेंस नहीं सर, क्यों अच्छा लगा आपको सर्कल टाइम में शामिल होके, और हमारे सीएम राइस के लिए वो क्यों महत्वपूर्ण रहेगा? अच्छा, ये वाला माइक ले लीजिए सर। हाँ जी मनोज जी, सर्कल टाइम जो है शॉर्ट टाइम के लिए रहता, तो इसमें क्या है कि स्टाफ मतलब रुचि से भाग लेंगे रुचि, और ये स्टाफ बैठक में उसका समय ये थोड़ा सा लंबा रहता है लॉन्ग टर्म, तो उसमें क्या है कि पूरा स्टाफ थोड़ा बोरियत महसूस करता, कई बार जाने की कोशिश करता है, मतलब उनके मन में धारणाएं रहती है कि हमको यहाँ जाना वहाँ जाना, कुछ मन में मतलब तरह तरह के क्वेश्चन उठाते हैं कि मेहमान आए रहे घर में हमको जाना है इस प्रकार से। तो अब इसमें सर्कल टाइम अपने विद्यालय के लिए इसलिए जरूरी है कि उसमें हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और अधिक से अधिक लोगों को हम उसमें इंगेज कर सकते हैं, किसी भी टाइम ले सकते हैं, ये इसलिए है। थैंक यू मनोज जी। तो इम्पोर्टेंट एक मंच, तो ये एक वो हमारा प्लेटफॉर्म रहेगा, और एक दूसरे के विचार व अनुभव सुनने और उनसे सीखने का अवसर मिलेगा। ये है हमारा महत्वपूर्ण क्यों है सर्कल टाइम। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस के बाद कि हम सर्कल टाइम की संरचना एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे। तो क्विकली मैं बता दूं, ओपनिंग और एंडिंग ये हमारा सेम रहेगा हर सर्कल टाइम में। 3 मिनट का ओपनिंग जो है वो पॉजिटिव घटना या उदाहरण के साथ, और समापन भी जो है वो यदि हमारा कार्य दिवस अच्छा गया तो उसके लिए बधाई देंगे, और हो सकता है कोई दिन अच्छा ना रहा हो, कुछ चुनौतियों वाला दिन रहा हो, तो उसके लिए अपनी टीम का मनोबल बढ़ाएंगे। तो स्टार्ट और एंड हमारा सेम रहेगा। बीच की जो एक्टिविटीज है, 9 मिनट जो हमारे सर्कल टाइम है, उसमें हम अपनी क्रिएटिविटी रचनात्मक तरीके से कैसे भी कर सकते हैं। कोई एक्टिविटी रहेगी, कोई रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। कल हमने सर्कल टाइम में क्या किया था? कल हमने रिफ्लेक्शन किया था, आइस क्लोज करके अपने डे के बारे में रिफ्लेक्ट किया था। तो ऐसे कोई रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं सर्कल टाइम में, या कोई एक्टिविटी, किसी ने अगर रिफ्लेक्शन नहीं करना है, बार बार रेपिटेटिव हो सकता है, तो कोई एक्टिविटी जैसे अभिषेक सर एनर्जाइजर कराते हैं, तो ऐसी भी कोई एक्टिविटीज हम अपने सर्कल टाइम में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बॉल गेम, पशु दौड़, भिन भिनाना, डांस नकल, अनु ऊर्जा और कॉपी द रिदम। जो आपको स्कूल लीडर हैंडबुक दी गई है उसके संसाधन में पीछे सारे गेम्स की डिटेल दी गई है कि उनको कैसे करना है। और कुछ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस, आपकी कौन सी खूबी है जो आपको एक अच्छा शिक्षक बनाती है? इस क्वेश्चन से आप अपने टीचर्स के साथ सर्कल टाइम की शुरुआत कर सकते हैं, या एक ऐसी घटना साझा करें जहां आपने हाल ही में कक्षा में विद्यार्थियों के साथ हंसे थे। तो ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इतना स्ट्रेसफुल था और शुरू के टाइम में टीचिंग स्टार्ट करना कि मैं क्लास में हंसता भूल गई थी, कि पूरे टाइम की ये करिकुलम पढ़ाना है, बिहेवियर ठीक करना है, ट्रैकर करना है, तो मैं स्माइल नहीं करती थी। और मेरे स्कूल लीडर भी क्लास में आए, वो कहते तुम क्लास में स्माइल ही नहीं करती हो, इतने काम में बिजी रहते हो, तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि क्लास में खुद को एंजॉय करना। जब खुद हम एंजॉय करेंगे, बच्चों को भी दिखता है कि वो पॉजिटिव कल्चर है। तो ऐसे कोई रिफ्लेक्शन क्वेश्चन जहाँ पे हमारे टीचर्स जो हैं सोचे इस चीज के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस समझे और अपने दिन के बारे में रिफ्लेक्ट करें। अपने दिन की हाईलाइट, कल हमने अपने सेशन में ये किया था, एक ऐसी चीज जिसके लिए आप आभारी हैं, तो ग्रैटिट्यूड के साथ अपना रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। या फिर एक और डीपर रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, पिछले ट्रेनिंग के सत्र में एक ऐसा अनुभव जिसने आपकी मान्यता हो, कोई अजम्पशन, कोई स्टीरियोटाइप जो हमें लगता था कि ये तो ऐसी चीजें चलती है, वो चैलेंज हुई हो। तो ये वो कुछ एग्जाम्पल है जिससे हम अपने सर्कल टाइम की गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। तो हमने एक्टिविटीज भी देख लिया, रिफ्लेक्शन क्वेश्चन भी। क्या हम रेडी हैं अपने सर्कल टाइम की प्लानिंग के लिए? सब कर सकते हैं। तो अगर आप अपना जर्नल खोलेंगे, जर्नल
कैन यू फाइंड द पेज नंबर, उसमें हम सर्कल टाइम के मध्य भाग की गतिविधि, एनर्जाइजर और एक्टिविटीज जो है पूरे हफ्ते के लिए प्लान करेंगे। तो गाइडलाइंस वही है, 5 दिन के लिए प्लान करना है, थोड़ा बैलेंस सर्कल टाइम कि एक्टिविटी भी आए रिफ्लेक्शन भी आए अपने अपने स्कूल के लिए। आई एम गिविंग यू 7 मिनट्स, 5 दिन का सर्कल टाइम है, 7 मिनट्स में जल्दी से अपना प्लान तैयार करेंगे। अकेले जो है वो डेवलप करेंगे टीम बिल्डिंग के बाद, जैसे टीम के साथ में गेम खेलेंगे कुछ ऐसा टीम बना करके। हाँ ओके। और ट्यूजडे के दिन माइंड गेम जो है वो कुछ ऐसा, जैसे दिमाग की कसरत होती है ऐसा गेम जो है वो करेंगे। किसके लिए बोल? अभी बनाएंगे ना उसको। थैंक यू मैम। मंडे को जो वो है कोई एक्टिविटी, कोई गेम खेलेंगे अपनी टीम के साथ, और ट्यूसडे को जो है वो रिफ्लेक्शन कराएंगे। रंजीत सिंह चौहान सर, धन्यवाद मैडम। मैं बुधवार को बीच का जो टाइम है, मैं टीचरों से, टीचर अपने जो बच्चे हैं, हो सकता है कि उस दिन किसी बच्चे ने कुछ अच्छा कार्य किया हो तो उसके बारे में पूछ सकते हैं कि भाई किसी को बताए टीचर किसने कोई किसी बच्चे ने कोई अच्छा कार्य किया हो तो उसके बारे में कर सकते हैं, और टीचर को भी हम धन्यवाद देके मोटिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा गुरुवार को हम शिक्षकों को पार्टिसिपेट, चूंकि साथ में जो हमारा सर्कल टाइम है वो मोटिवेट करने का है, बच्चों टीचरों की भी जो औपचारिक है तो हम उनके बीच अंतराक्षरी करा सकते हैं, इस तरह से उनको पार्टिसिपेट आपस में व्यस्त रख सकते हैं। सर की स्टिक नहीं है, अभी हम फ्राइडे को उनसे पूछ लेंगे। फिर इसमें कौन सी मेमोरेबल मोमेंट रहा, कोई एक अच्छी चीज जो बच्चे के साथ आपका एक अच्छा मोमेंट रहा हो, और थर्सडे के दिन जो है वो एक 10 मिनट की अंताक्षरी जो है टैग करके अपनी टीम को खिला सकते हैं। और इसी के साथ हमारी सारी स्टिक्स खत्म हो गई, एक सर्जन की स्टिक नहीं थी। हाँ, दिस इज अ गुड थिंग, क्या सबने कुछ ना कुछ बोला है। सर फ्राइडे का प्लान अब आप बताएंगे। फ्राइडे शुक्रवार वाला प्रेरक वाक की दैनिक चर्चा और मिमिक्री, प्रेरक वाक की दैनिक चर्चा और मिमिक्री, और आइडियाज भी आ रहे हैं। आज जो है उसको होमवर्क में भी ले जा सकते हैं, अपने सर्कल टाइम का जो प्लान है इसको और बेहतर, कुछ भी एक्टिविटीज जो है बाद में डिस्कस करके अपना प्लान बना सकते हैं। नाउ 0 पॉइंट्स फॉर गेसिंग, हम अपने दिन का अंत किस चीज से करने वाले हैं? सर्कल टाइम से। तो आज के दिन का हमारा सर्कल टाइम, आज जो हम सर्कल टाइम अपने अपने ग्रुप्स के साथ ही करेंगे, एक एक पीपल मेंबर अभी आपके टीम में आएगा जो सर्कल टाइम जो है फैसिलिटेट करेंगे। Yeah, I'm sorry.
दूसरा सही है आपका, दूसरा सही है, पहला गलत, दूसरा सही है। गाने गाते गाते सच्चे हो क्या बोलता सीधा काम करते हैं। बड़ा मुश्किल होता है जब हम अपने आप के बारे में सही और गलत के बारे में जब सोचें। दूसरा एक और है कि हम अपने बारे में गलत बोल, नहीं आजकल तो जेंडर वाली बात खत्म ही हो गई है। सुन सकते हैं?
मैं चाहती हूँ कि सब लोग थोड़ा कहे कि आज आप इस रूम में, सिर्फ इस रूम में किसको थैंक यू करना चाहते हैं या किसकी सराहना करना चाहते हैं, किसी भी वे में हो सकता है उन्होंने आपकी किसी भी तरीके से मदद की हो या आपको कोई बात उनकी अच्छी लगी हो, किसी भी वे हम कोई क्लिप फिर उसको कलेक्ट करके हम बोर्ड पे चिपका देंगे चार पेपर पे, और आपके पास इसके लिए 30 सेकेंड्स है। और ये इंडिविजुअल एक्टिविटी है, ये ग्रुप एक्टिविटी नहीं है। आप जिसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं उसके बारे में चिट पे लिखेंगे और क्यों उनकी सराहना कर रहे हैं वो भी लिखेंगे। जो भी पीपल के टीम मेंबर्स अपने अपने टेबल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, प्लीज सारी चीज कलेक्ट कर लीजिए। और जब आपने लिख दिया है, दी गया है, तो आप अपना लैपटॉप लेने जा सकते हैं क्योंकि आपने